बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट टॉपिक था हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। व्हेन 1s and 2e mix together to form 3 new hybrid orbitals, called as sp2 hybridization। हम कुछ कंपाउंड को देखते हैं, फॉर एग्जांपल किन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो सकती है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, BF3 इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, उसके बाद BH3 इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होती है, ठीक है। इसके अलावा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड और CH3 की टोन में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी, ठीक। अब ये कैसे sp2 होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं कि sp2 होने के क्राइटेरियाज क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है, क्या जरूरी है। यहाँ पे इसलिए ये कि व्हेन 1s, ये हमारे पास s, उसके बाद ये जो है वो px, उसके बाद py, जब ये तीनों के तीनों आपस में मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जब अपने आप को स्पेस में अरेंज करते हैं तो इनकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनती है, ये डायग्राम, और इसमें जो दूसरे ग्रुप है वो दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये इसको हम डायग्राम को कहते हैं ट्राइगोनल भी इसी की डायग्राम है। इसका जो एंगल होता है वो है 120 डिग्री इसका एंगल होता है। अब हम ये मेथड देखते हैं कि हम यूजुअली किन मेथड के जरिए, जो मेथड यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अमूमन हर बुक में मौजूद हैं, वो मेथड क्या है, किस तरीके के जरिए हम किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इथीन के लिए डिस्कशन करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका कंपाउंड की डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चलूं, हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी वो ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लेते जिन्होंने पाई बॉन्डिंग करनी, या दूसरी अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्डिंग के अंदर कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लेता। इसका मतलब है जहां जहां पाई बॉन्ड होंगे वहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोई काम नहीं है। अगर वहां पर कोई काम नहीं है तो उस सूरत में वहां से एक पी को निकाल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने डबल बॉन्ड शो किए, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई और एक सिग्मा है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ कार्बन वो क्या होगी, 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ये एक्साइटेड
स्टेट मैंने लिखी है, एक्साइटेड स्टेट। ये क्या होती है, यानी मैंने पिछले लेक्चर में इसको बता दिया था। अब यहां पर आप देखें, ये तीन ऑर्बिटल्स यहां पर मौजूद हैं, चार ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ये चारों के चारों ऑर्बिटल बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब देखिए यहां पर ये दो और तीन, ये तीन जो है आपस में मिक्स होंगे। तीन आपस में मिक्स होने पर ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल को जनरेट करेंगे, जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं, और 2pz वैसे का वैसे। मैं अभी ये बताऊंगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्यों पी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो यहां पर देखें, मैंने डायग्राम बनाई थी, और जो ऑर्बिटल की डायग्राम है वो ट्राइगोनल डायग्राम है, तो यहां पर डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे। यहां पर कार्बन, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, और ये वाला तीसरा ऑर्बिटल आएगा। यहां पर तीसरे नंबर पर ये एक ऑर्बिटल, दूसरा, और ये तीन, ये तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, इन तीनों के जो कॉर्नर्स हैं वहां पर एक एक हाइड्रोजन यहां पर आके अटैच हो गया। अब यहां पर एक एक हाइड्रोजन आ गई, यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बन गई, बॉन्ड बना sp2 विद sp2, यहां पर sp2 विद s बॉन्ड बना। अब ये बॉन्ड बन गया। अब आप देखें, जो 2pz एक्स्ट्रा यहां पर बचा था, जो 2pz यहां पर मौजूद है, अब वो क्या करेगा, पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। अब वो कैसे पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, देखिए जरा, ये जो 2pz है उसको हमने इसी तरह यहां पर रखा है। तो जब ये यहां पर रहेगा और जब ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग इस तरह से, ये जब पैरेलल ओवरलैपिंग ऊपर से भी और नीचे से पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, तो इसके नतीजे में पाई बॉन्ड की जनरेशन होगी, जब ये इस तरह करके आपस में मिलेगा। तो जब हम इसकी डायग्राम उसी बनाते हैं तो ये बनता है कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इधर भी आपका हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये जो बॉन्ड आपको मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे आएगा, ऊपर एक सिग्मा और एक पाई। यहां पर अगर आप गौर करें तो इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, जिस वजह से इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसकी भी sp2 ही होगी। ठीक है, ये तो पता चल गया, अभी जिनमें पाई बॉन्ड मौजूद है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, लेकिन अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। हम देखते हैं कि क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्डिंग हो सकती है, तो वो देखते हैं। अब देखिए, जो पी ऑर्बिटल है, ये आपका पी है, ये पैरेलल ओवरलैप कर, और दूसरे केस में आपके पास है जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्डिंग के लिए जो चीज हमें अवेलेबल है, जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, कि जो पाई बॉन्डिंग होती है वो सिग्मा के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है और सिग्मा के नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है। अब आप देखिए जरा, अगर सिर्फ यहां पर ओवरलैपिंग होती है और ये भी ओवरलैपिंग होती है, तो इससे ये पता चलता है कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो ऊपर वाली हिस्सा है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और नीचे कम है, और यहां पर क्योंकि बराबर की ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये चीज साबित कर रही है कि जब जब पाई बॉन्ड बनेगा वह तब सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल ही ज्योमेट्री बनाने में हिस्सा लेगा। इससे आगे चलते, अब हम एक्सप्लेन करते हैं BF3 को, कि BF3 जो है ये किस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकता है।
एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 5। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जो है वो है 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। एक इलेक्ट्रॉन 0 और 0 यहां पे आए। अब यहां पर ये जो स्टेट है इसको हम जी स्टेट कहते हैं। जी स्टेट ग्राउंड स्टेट है। हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की तरफ चलेंगे तो एक्साइटेड स्टेट जो इसकी बनेगी, एक्साइटेड स्टेट वो है 1s2, 2s1, 2px1 एंड 2pz1। अब यहां पर 2pz क्या हो गया? 0। अब अगर ये 0 है इसी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अगर ये 0 है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो p हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता उसके लिए दो कंडीशंस हैं, दो सूरतें आ गई। पहली सूरत अगर आप इसमें देखते हैं, अगर p जो है पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो p हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, और अगर p में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, मतलब यहां पर 2pz पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व था इसलिए उसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, यहां पर 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ही होगा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में वो हिस्सा नहीं ले सकता। इस वजह से जो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी जी? बोले क्योंकि एक s और दो p हिस्सा ले रहे तो ये होगी sp2, sp2 और sp2। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आप जानते हैं जो डायग्राम बनती है वो ट्राइगोनल होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे बोरोन और इस जगह पर आपका एक लूप, ये दूसरा और ये तीसरा होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके साथ जो है वो एफ लगेगा जिसकी शेप कुछ इस तरह, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो पी है इसलिए इसमें हाइड्रोजन के जैसे सर्कल नहीं आएगा। तो यहां पर पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और जो कि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये बनता है असल में एफ एफ और ये एफ। एंगल जो है वो 120 डिग्री यहां पे होगा और जो ज्योमेट्री का नाम क्या है जी? बोले ट्राइगोनल। ज्योमेट्री यहां पर ट्राइगोनल कहलाएगी। हमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि विच वन कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो पहले तो यहां पर देखिए 3 बॉन्ड कार्बन ने यहां पर हाइड्रोजन के साथ बनाया है और एक इधर बनाया है तो ये होगा कि sp3 ये भी क्योंकि sp3 होगा sp3 इस ऑप्शन पर दो लोन पेयर है 1, 2, 3 और 4। तो इस कंपाउंड के अंदर कोई भी एटम ऐसा नहीं है जहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर आप देखें तो इस कार्बन में भी सेम कंडीशन है sp3 sp2 और यहां पर सॉरी ये भी sp3 है sp3 क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है तो 1, 2, 3 और 4 यानी sp3। यहां पर चले ये सेम कंपाउंड ये है जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, सेम कंपाउंड, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये वाला कंपाउंड देखें इसके अंदर ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है इसने एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। तो एक पाई और एक सिग्मा की वजह से ये वो कंपाउंड है जिसके पास हाइब्रिड जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। अच्छा, हमने ये कंपाउंड दिया हुआ है लेबल ऑल द कार्बन एटम कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हमने वो तमाम कार्बन को लेबल करना है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये देखें दोस्तों CH3 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगी क्योंकि तीन हाइड्रोजन से बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये चार बॉन्ड है यहाँ पर भी चार, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पर देखें
यहां पर एक बॉन्ड ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, दो हो गए और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। यहां पर टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और यहां पर भी क्योंकि ये सेम कार्बन है इस वजह से इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और ये वाला कार्बन को क्यों भूलेंगे हम, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। वजह सिग्मा बॉन्ड 1, 2 और 3 ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा। और एक और बात, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी, वजह क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है, तो 1, 2 और 3 ये सिग्मा बॉन्ड, तो 1, 2, 3 तीन का मतलब sp2। अच्छा, उसके बाद व्हिच वन ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हमने चारों में से देखना है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी होगी, sp2। तो यहां पर देखें, तीन एक लोन पेयर है, दो तीन एटम है, एक लोन पेयर, चार होगी इसकी नहीं हो सकती। H2S में दो लोन पेयर है, दो साथ में दो हाइड्रोजन एटम है sp3। उसके बाद इसके पास एक लोन पेयर है, तीन एटम है, इसकी sp3। यहां पर एक लोन पेयर और दो क्लोरीन एटम, एक लोन पेयर और दो क्लोरीन एटम लगे हैं, इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी और हमारा सही आंसर ये है। और यहां पर सही आंसर ये बात, विच वन ऑफ द सेट इज ट्रू, कौन सा सेट sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ठीक है। ट्राइगोनल sp3, sp3 जब होगी ट्राइगोनल ज्योमेट्री नहीं होगी, टेट्राहेड्रल sp3 है और लीनियर है और यहां पर वाटर। अब जब sp3 होगी तो ज्योमेट्री लीनियर नहीं होगी, लेकिन sp3 जब होगी तो वाटर होगा। उसके बाद sp2 है, जब होगी ज्योमेट्री ट्राइगोनल और लेड क्लोराइड, इसके पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर और साथ में दो क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तो टोटल तीन हो गए, तो तीन की वजह से इसकी ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। वन ऑफ द कंपाउंड डू हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, किसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जरा इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें। ये हाइड्रोजन है और ये 3+, ये दो हाइड्रोजन है और ये 2+, ये कितना जी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस। और यहां पर आपके पास इसके बारे में तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, तो यहां पर तीन बॉन्ड सिग्मा नजर आ रहे हैं, ये और ये, तो ये असल में हमारा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके दोस्तों, बाकी जो इसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और अगले जो लेक्चर है उसमें हम इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।